दोस्तों सब्सक्राइब कीजिए एवरीथिंग डिस्कवर चैनल को और बेल आइकन दबाइए नई नई जानकारी के वीडियोस देखने के लिए। गत वर्षों में केंद्र की राजनीति में बीजेपी के महत्व का बढ़ना और लगातार जीतने का कारण नरेंद्र मोदी और अमित शाह की जोड़ी को माना जाता है। अमित शाह को राजनीति में बीजेपी का मास्टरमाइंड और मोदी का दाहिना हाथ कहा जाता है। वास्तव में पिछले 10 सालों में न केवल केंद्र की राजनीति में बीजेपी का सकारात्मक प्रभाव दिखा है बल्कि क्षेत्रीय राजनीति में भी अमित शाह की कूटनीति से बीजेपी मजबूत हुई है। मुंबई में जन्मे अमित शाह की परवरिश गुजरात में हुई थी। इन्होंने अपनी प्राथमिक शिक्षा मेहसाना के स्कूल से ली, फिर अहमदाबाद के सीयू शाह साइंस कॉलेज में बायो केमिस्ट्री में स्नातक की। वो 14 वर्ष की उम्र में ही राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में एक तरुण स्वयंसेवक बन गए थे और यहीं से उन्हें देश के लिए कुछ करने की प्रेरणा मिली। कॉलेज के दिनों में बीजेपी के छात्र संगठन अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के लिए काम करने के बाद सन 1984-85 में उन्होंने ऑफिशियली बीजेपी को ज्वाइन कर लिया। अपने करियर की शुरुआत में कुछ समय तक इन्होंने अपने पिताजी का बिजनेस भी संभाला। अमित शाह का जन्म बहुत ही संपन्न और अमीर परिवार में हुआ था। उनके पूर्वज नगर सेठ हुआ करते थे। हालांकि उनके पिता अनिलचंद्र शाह भी पीवीसी पाइप का बिजनेस करते थे, लेकिन उनकी परवरिश के दौरान उनके अभिभावकों ने यह विशेष ध्यान रखा कि उन्हें विलास का जीवन जीने की आदत ना लगे। उनकी बहन जहां बग्गी में स्कूल जाती थी, वहीं वो खुद पैदल स्कूल जाते थे। जब अमित शाह छोटे थे तब उनके लिए घर पर इतिहास के शिक्षक को नियुक्त किया गया। यहाँ से उनमें इतिहास को जानने की समझने की रुचि जगी। महात्मा गांधी के राजनीतिक विचार और भागवत पुराण ने उनके विचारों को बहुत प्रभावित किया। अमित शाह की माँ भी एक गांधीवादी विचारधारा की महिला थी। उनके पुत्र जय शाह ने निरमा यूनिवर्सिटी से बीटेक किया है। जय एक बैट्समैन थे और जय वर्धन सहगल के अंडर ट्रेनिंग लेते थे, लेकिन बाद में जय ने भी स्टॉक मार्केट ज्वाइन कर लिया। उन्हें भी अपने पिता जैसे स्टॉक मार्केट की बहुत जानकारी। 2009 में गुजरात क्रिकेट एसोसिएशन GCA में जय एग्जीक्यूटिव मेंबर बने और 2013 में उन्हें GCA का जनरल सेक्रेटरी भी चुना गया। जय ने अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद अपने पारंपरिक पीवीसी पाइप बिजनेस को ज्वाइन नहीं किया बल्कि अगस्त 2004 में उन्होंने टेम्पल एंटरप्राइजेस प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बनाई। जब अमित शाह पर फेक एनकाउंटर केस की तहकीकात चल रही थी तब जय मुंबई चले गए थे और जब अमित शाह को क्लीन चिट मिली तो वह सहपरिवार अहमदाबाद लौट आए। 10 फरवरी 2015 को जय की शादी उनके बचपन के दोस्त रिशिता पटेल से की गई। रिशिता अहमदाबाद के ही व्यापारी गुणवंत भाई पटेल की बेटी है। 2017 में जय रिशिता के पुत्री भी हुई। दोस्तों अब आपको बताने जा रहे हैं अमित शाह जी की कुछ विशेषताएं। अमित शाह एक कूटनीतिज्ञ होने के साथ ही कुशल प्रबंधक भी है। वो अपनी विचारधारा को सर्वोपरि मानते हैं, साथ ही कार्यकर्ता का सम्मान और कार्यालय का रखरखाव बहुत महत्वपूर्ण मानते हैं। अमित शाह ने संगठन का कौशल कुसुभाई ठाकरे से सीखा था, जिनके साथ उन्होंने कई सालों तक काम भी किया था। जब नरेंद्र मोदी गुजरात के ऑर्गेनाइजेशन सेक्रेटरी थे तब उन्होंने अपना राजनीतिक करियर एक आम बूथ वर्कर के जैसे ही शुरू किया था। ये वो समय था जब उन्होंने बीजेपी के भविष्य के लिए मजबूत जनाधार तैयार किया था और इसी दौरान उन्हें पार्टी की मूलभूत आवश्यकता कर्मठ कार्यकर्ताओं के महत्व की समझ आई। वो अपने दोस्तों और सलाहकारों के नाम याद रखते हैं। वो जब भी दिल्ली में होते हैं तब ज्यादा समय तक हेड क्वार्टर में बिताने की कोशिश करते हैं। अमित शाह का करियर के बारे में बात करते हैं। अमित शाह नरेंद्र भाई मोदी से 1982 में पहली बार मिले। उस समय नरेंद्र मोदी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रचारक थे और बीजेपी की युवा गतिविधियों को संभाल रहे थे। 1982 में ही अमित शाह अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के सेक्रेटरी बन गए। 1987 तक अमित शाह बीजेपी के यूथ विंग भारतीय युवा मोर्चा में जुड़ गए। इसके बाद वो पार्टी के कई पद जैसे राज्य सेक्रेटरी, वाइस प्रेसिडेंट और जनरल सेक्रेटरी संभालते रहे। अमित शाह ने 1991 में राम जन्मभूमि आंदोलन में गुजरात में एक बड़ा जनाधार तैयार किया था और बीजेपी के सीनियर लीडर लाल कृष्ण आडवाणी, जिन्होंने गुजरात के गांधीनगर के जनरल इलेक्शन में चुनाव लड़ा था, उनके लिए कैंपेन भी किया। तब से इन्हें बीजेपी में चुनावों को संभालने की जिम्मेदारी मिल गई और उन्होंने एलके आडवाणी के साथ मिलकर यह काम 2009 तक किया। जब प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने गांधीनगर से चुनाव लड़ा तब भी अमित शाह इलेक्शन इंचार्ज थे। इस तरह इन्होंने इलेक्शन मैनेजर बनने की भूमिका बखूबी निभाई। 1990 में भारत में बड़े राजनीतिक बदलाव की हवा चली। इसी दौरान अमित शाह और नरेंद्र मोदी ने राज्य में बीजेपी के सदस्यों को बढ़ाने का अभियान चलाया। 1990 में मोदी राज्य में बीजेपी के अध्यक्ष बन चुके थे। वो शाह को बड़ी जिम्मेदारी दिलाना चाहते थे। उन्होंने पटेल को मनाया कि वो गुजरात स्टेट फाइनेंशियल कॉरपोरेशन का चेयरमैन शाह को बना दे। गुजरात में जब मोदी के विरोधी बढ़ गए और उन्हें राज्य से बाहर दिल्ली भेज दिया गया तब शाह मोदी के लिए एक इन्फॉर्मर के जैसे काम करते थे। 1997 में मोदी ने शाह को बीजेपी
बीजेपी से टिकट दिलाने के लिए खूब प्रयास किए और वह सफल भी रहे। अमित शाह फरवरी 1997 में एमएलए बन गए और 1998 के विधानसभा चुनाव में भी उन्होंने अपनी सीट बनाए रखी। जब केशुभाई पटेल गुजरात के सीएम के पद पर आए, उस समय गुजरात के ग्रामीण इलाकों में इंडियन नेशनल कांग्रेस का प्रभाव था। अमित शाह और नरेंद्र मोदी ने तब बड़े पैमाने पर अभियान चलाकर बीजेपी के पक्ष में स्थिति बनाई, लेकिन उस दौरान हुए गांवों में गांव प्रधान का इलेक्शन हार गए और इन हारे हुए 8000 प्रधानों से ही ग्रामीण नेतृत्व के साथ जनाधार मजबूत किया। अगले 2 सालों में नरेंद्र मोदी और अमित शाह की जोड़ी ने सभी विरोधियों को एक तरफ कर दिया। गुजरात में अमित शाह का राजनीतिक करियर। अमित शाह को 2000 में अहमदाबाद डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक का प्रेसिडेंट बनाया गया। उस समय बैंक बहुत मुश्किल में था, जिसे एक सक्षम नेतृत्व की आवश्यकता थी। उस समय बैंक को 36 करोड़ का घाटा हुआ था और बैंक बंद होने की स्थिति में था। अमित शाह ने यह जिम्मेदारी संभाली और 1 साल के भीतर बैंक ने 27 करोड़ का फायदा किया। अमित शाह ने यह भी सुनिश्चित किया कि ज्यादातर बैंक डायरेक्टर बीजेपी के पक्ष में थे। वास्तव में गुजरात में इससे पहले तक के चुनाव जातिगत होते थे और कोऑपरेटिव बैंक पर पटेल, गडरिया, टेली और सत्रियों का नियंत्रण रहता था, लेकिन इनमें से भी किसी जाति के ना होने के बावजूद बैंक में अपनी साख जमाने और चुनाव जीतने में शाह ने मुख्य भूमिका निभाई। उन्होंने इन 22 बैंकों में से 11 बैंकों के डायरेक्टर के बीजेपी के पक्ष में होने का फायदा उठाया। 2001 में राजनीतिक कारणों के चलते केशुभाई पटेल के स्थान पर सीएम पद की भागदौड़ मोदी जी के हाथ आई। ऐसे में अमित शाह को राज्य में राजनीतिक स्थिति सुधारने का जिम्मा मिला। वास्तव में नरेंद्र मोदी के 12 वर्ष के मुख्यमंत्री कार्यकाल में ही अमित शाह एक शक्तिशाली नेता बनकर उभरे। 2002 में हुए गुजरात के विधानसभा चुनाव में सरखेज से उन्होंने 1,60,000 वोट के साथ जीत दर्ज कराई। इसके बाद मोदी सरकार में उन्होंने कई तरह के मिनिस्ट्री कार्य देखे। 2004 में यूपीए की केंद्र सरकार ने प्रिवेंशन ऑफ टेरर एक्ट का खंडन किया, लेकिन अमित शाह गुजरात की असेंबली में गुजरात कंट्रोल ऑफ ऑर्गेनाइज्ड क्राइम के बिल पास करवाने में कामयाब रहे। 2007 के विधानसभा चुनाव में फिर से सरखेज से ही उन्होंने जीत हासिल की। 2002 के चुनाव जीतने के बाद वो मोदी सरकार में सबसे युवा मंत्री बन गए थे। उस समय उन पर 12 विभागों की जिम्मेदारियां थी, जिनमें गृह मंत्री, कानून और न्याय विभाग, कैदी विभाग, सीमा सुरक्षा विभाग, नागरिक सुरक्षा, एक्साइज, ट्रांसपोर्ट, प्रोहिबिशन, होमगार्ड, ग्राम रक्षक दल, पुलिस, हाउसिंग और वैधानिक और पार्लियामेंट संबंधी मामलों के विभाग शामिल थे। शाह ने गुजरात फ्रीडम ऑफ रीजनल एक्ट पास करने के लिए भी मोदी सरकार को राज्य किया था। इस एक्ट के पास होने के बाद गुजरात में धर्म परिवर्तन करना कानूनन मुश्किल हो गया था। विपक्षी दलों ने इसका कड़ा विरोध किया और कहा कि यह भारतीय संविधान के खिलाफ है, लेकिन शाह इस पर अडिग रहे और जबरदस्ती करवाए जाने वाले धर्म परिवर्तन के खिलाफ बताया। 2008 में गुजरात के विधानसभा चुनाव में भी अमित शाह ने अपनी कूटनीति का उपयोग किया था। मोदी और शाह ने गुजरात के खेल के क्षेत्र में कांग्रेस और कांग्रेसी नेताओं को पीछे छोड़ दिया। शाह ने गुजरात चेस एसोसिएशन प्रेसिडेंट के तौर पर काम किया। वहीं 2009 में गुजरात क्रिकेट एसोसिएशन के प्रेसिडेंट भी बन गए। अमित शाह की राष्ट्रीय राजनीति में पहचान। अमित शाह को राष्ट्रीय स्तर पर राजनीतिक पहचान 2014 में मिली, जब बीजेपी ने लोकसभा में विशाल मतों से जीत हासिल की। राजनाथ सिंह ने अमित शाह को उत्तर प्रदेश में पार्टी का अध्यक्ष बनाया। उन्हें पार्टी का जनरल सेक्रेटरी चुना गया और इस पद पर 2016 में उन्हें निर्विरोध रूप से पुनः चुना गया। अमित शाह का यूपी के चुनाव में योगदान। 2010 में गिरफ्तार होने के बाद अमित शाह का राजनीतिक करियर धीमा पड़ चुका था। अमित शाह को 12 जून 2013 को यूपी कैंपेन का अध्यक्ष चुना गया। अमित शाह ने यूपी में वहां की सीटों और चुनावी गणित को समझने के लिए बहुत समय ग्राउंड पर व्यतीत किया। फरवरी 2012 से ही अमित शाह ने समाजवादी पार्टी के जीत का कारण समझना शुरू कर दिया था। शाह ने यह बात समझी कि वहां के वोटर समाजवादी पार्टी से खफा है, क्योंकि वो अपने वादे को पूरा करने में सक्षम नहीं रहे। उस समय यूपी सरकार ने सरकारी नौकरी और शिक्षा में ओबीसी के 27% कोटे से 5% आरक्षण अल्पसंख्यकों को देने का फैसला किया था, जिसका फायदा भी शाह ने चुनाव में उठाया। चलिए दोस्तों, अब जानते हैं अमित शाह से जुड़ी कुछ रोचक बातें। दोस्तों, अमित शाह छोटी दूरी की यात्रा हेलीकॉप्टर की जगह रोड से जाना पसंद करते हैं। वो सरकारी गेस्ट हाउस में ठहरना पसंद करते हैं। अमित शाह एक शुद्ध शाकाहारी नेता है और चाय को पसंद करते हैं। मोदी सरकार के लोकप्रिय कार्यक्रम चाय पर चर्चा की रूपरेखा तैयार करने में अमित शाह का योगदान रहा था। वैसे ये विख्यात है कि शाह ने बूथ कार्यकर्ता से लेकर सोशल मीडिया तक अपनी एक बड़ी टीम बना रखी है, जबकि सच्चाई इसमें थोड़ी अलग है। वास्तव में अमित शाह ने टीम में कोई फिक्स सदस्य नहीं है, वो हर काम के लिए अलग अलग लोगों पर निर्भर है। एक व्यक्ति उनका ट्रैक रिकॉर्ड रखता है। अमित शाह पिछले 3 सालों में हर दिन औसत 525 किलोमीटर की यात्रा की। अमित शाह ने योजनाबद्ध तरीके से सभी राज्य और केंद्र शासित प्रदेश को कवर किया।
रोहतक में बीजेपी के विस्तारकों की सभा को संबोधित करते हुए अमित शाह ने कहा था कि मैं नहीं चाहता कि तुम लोग पार्टी को जिताने के लिए काम करो या किसी को सीएम या पीएम बनाने के लिए मेहनत करो। मैं चाहता हूं कि तुम भारत को विश्व गुरु बनाने के लिए काम करो। शाह का समर्पण देश के लिए राजनीति में बहुत ज्यादा है। दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसको लाइक जरूर करें। चैनल पर अगर आप नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। मैं इसी तरह की जानकारी से जुड़े वीडियो इस चैनल पर अपलोड करता रहता हूं। दोस्तों, वीडियो को लास्ट तक देखने का आपका बहुत धन्यवाद।